नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग दिलाएंगे हर परेशानी, हर समस्याओं से मुक्ति। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में जो भी माँ दुर्गा की भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा करता है, माता रानी उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:29 से लेके 7:39 तक। इसके बाद 9:06 से 11:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:28 से लेके 1:59 तक रहेगा। इसलिए इस समय में माता रानी की पूजा बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रों में व्रत पूजा की तरह ही भोग का भी विशेष महत्व होता है। माता रानी के 9 रूपों को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, आइए जानते हैं। रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय की घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लंबी उम्र पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। दुखों कष्टों से मुक्ति पाने के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अति उत्तम होता है। स्वास्थ्य शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। शोक व संकटों से बचने के लिए माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ से बनी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना अति उत्तम होता है। सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाना बहुत ही फलदायक और लाभदायक होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।